गुड आफ्टरनून, अभी का टाइम हो गया है 1:30। ठीक है, सुबह से मैं वहाँ पे हूँ, एयरपोर्ट हूँ। ठीक है, अभी फिर घर पे आया था, थोड़ा काम था, अब फिर वापस जा रहे हैं। ठीक है, गाड़ी में बैठे हो, आज पूरा मार्केट बंद कर, पूरा मार्केट बंद है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, देखिए कहाँ पे आ गई, वो अभी आपको हम बताते हैं। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, इतनी मतलब आपको हम कुछ बता नहीं सकते, तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको कितनी। अभी नहीं आई, अभी 2 बज गया। ठीक है, पहले क्या हुआ था कि उधर से लद्दाख से पहले आई आगरा में। ठीक है, आगरा में 1 से 1.5 घंटा आगरा में लग गया, नहीं अभी तक आ जाते, 1 से 1.5 घंटा आगरा में लग गया। उसके बाद आगरा से अब फ्लाइट से आई, आगरा से अब यहाँ आएगी गाड़ी से। तो अभी बात हुई थी तो इटावा की उस तरफ फिरोजाबाद है, वहाँ तक अभी तक पहुँच पाए। और जी जब शहीद होता है तो बहुत पूरा देश शोक मनाता है इसी तरीके से। और हमारे यहाँ ये सबसे पहला मतलब कांड है, हमारे क्षेत्र की बात कर रहा है, इधर निवाड़ी वगैरह आसपास में जितने भी पहला कांड है, भगवान न करे कभी ऐसा कुछ हो, बहुत ज़्यादा समस्या होगी, वो बहुत दुख वाली कहानी है। ठीक है, आपको हम थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट देते रहेंगे, फ़िलहाल थोड़ा देखते हैं कितना टाइम लगेगा आने में। बहुत ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, हम कुछ नहीं बता सकते आपको। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे। और ये मत समझना कि मेरा वीडियो बना, मेरा मित्र था तो मैं, एक तो दुख है तो है लेकिन एक गर्व भी है कि एक फौजी है और देश के लिए शहीद हुआ है। तो ठीक है, हम आपको थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट देते रहेंगे, देखते अभी फ़िलहाल 1 घंटा तो लगे, कंपलसरी 1 घंटा लग जाएगा। और बहुत देखिए छाया में पीछे इधर हम रुके हुए हैं, इधर पीछे छाया में, क्योंकि वहाँ तो इतनी धूप है, पूरी जगह ही नहीं कहीं बैठने की। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, आपको हम जैसी आएगी वो आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों देखिए, अभी महवा आया हूँ और पीछे आप देख रहे हैं भीड़ कितनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा लोग हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में, करीब 100-150 लोग यहाँ पे आए हैं महवा लेने। ठीक है, और करीब हमारे समझ से 40 से 50 लोग इटावा चले, इटावा आ चुकी है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल टाइम हो गया लमसम 2:30 बज गया। तो इटावा से अब देखते हैं कितनी टाइम लगता है यहाँ तक आने में, एग्जिट महवा आने में कितना टाइम लगता है वो तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं, तो आपको पता चले हमारे हिसाब से आधा घंटा लग जाए, लगेगा लमसम। ठीक है, चलिए आधा घंटा वेट करते हो, लोगों की तादाद जितने लोग आए उतने लोग हैं, इतने लोग की आपको दिखा नहीं सकते। ठीक है, जितनी जो गाड़ी जा रही सब इधर रुक रहे हैं, इधर हम हाईवे पे हैं, जो अपने इटावा से आया है आनेपुर वाले जो हाईवे पुलिया के नीचे है, पुल के नीचे है इस तरफ। ठीक है, चलिए वेट करते हैं कितना टाइम लगता है। पीछे देख रहे हैं आप भीड़, देखिए पूरा पीछे जाम कर रखा है, चलिए कितना टाइम लगता है पता चल जाए आपको। दोस्तों बकेवार आ चुकी है। ठीक है, और हम लोग कहाँ हैं, सुनवर्सा हाईवे पे, ये देखिए SDM वगैरह आ चुके हैं। ठीक है, फोर्स वगैरह लग चुकी है, अब 10 से 15 मिनट लगेगा, अभी लमसम 4 बज गया। ये देखिए हाईवे पे हैं और फोर्स आ चुकी है हमारे पीछे, जैसे देख रहे हैं आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। ठीक है, सो गाइस देखिए आ चुके हैं, गाड़ी को सामने आप देख रहे हैं ना, वो सामने गाड़ी रुक रखी है, वही है। ठीक है, इन पास से और दिखाते हैं आपको। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की।
दोस्तों देखिए आ चुके हैं हम लोग और जो देखिए चल रहे हैं यहाँ से रवाना हो चुका है। ठीक है, क्राउड आप देख रहे हैं, हाईवे जाम कर रखा, पीछे भी गाड़ी लगी है रोड की आजू बाजू जा रही है और पूरा रास्ता जाम है, मतलब इतनी भीड़ है आपके पास हमारी तरफ से हर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? A few moments later. तो हम दोस्तों आ गए थे 7 बजे शाम के, फिर काम वगैरह किए और गाय वगैरह धोनी थी ना तो सानी चारा कर लिए और सर में इतना दर्द हो रहा है तो अभी का टाइम हो गया लमसम 8:30 बज गया। तो 6:30 बजे के बाद ही अंतिम संस्कार हुआ था उनका, तो उसकी वजह से सलामी वगैरह नहीं दी गई क्योंकि आर्मी का रूल है कि 6 बजे के बाद सलामी नहीं दी जाती। जैसे उन्होंने अधिकारियों से बात की
छः बजे के बाद सलामी नहीं दी जाती। ऐसा क्या है कि 6 बजे सुबह झंडा चढ़ता है, शाम को 6 बजे उतर जाता है। इसके बाद अगर 6:30 बजे इस वजह से सलामी नहीं दी गई तो अंतिम संस्कार उनका हो गया 6:30 बजे के बाद ही हुआ उनका। तो इतनी भीड़ थी, वो तो आपने देखा है कि हमने इतनी अपने जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखी है, मेला मंदारी में इतनी भीड़ नहीं देखी। मैं भगवान से मनाता हूँ, दुआ करता हूँ कि भगवान ऐसे आज के बाद ऐसा अनहोनी नहीं करे तो अच्छा है। ठीक है, तो जो वायुसेना में थे ये और इनकी पोस्टिंग थी लद्दाख में, तो ये अपनी वाइफ को साथ में ही रखते थे। अभी छुट्टी काट के गए थे तो वाइफ को अपने साथ में ही रखते थे। और इनका 6 साल का एक बच्चा है और इनकी शादी हुई थी महेवा से, ये अहिरीपुर से 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है महेवा, वहाँ से इनकी शादी हुई थी। और 2008 में भाई की ज्वाइनिंग थी, 2008 में इनकी नौकरी लगी थी आर्मी में, वायुसेना में। ठीक है, तो 12-13 साल हो गए, 2-3 साल बाद भाई रिटायर हो जाते, लेकिन क्या कहते वो जो होनी को मंजूर है फिर कुछ नहीं हो सकता। और इनकी हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई, शहीद नहीं हुए। इनकी जहाँ ये पौष्टिक थे तो वहाँ पे जो बर्फ़ पड़ती है, आपको पता ही लद्दाख में बर्फ़ पड़ती है और -40 टेम्परेचर था। लद्दाख में पौष्टिक थी और GD के पद पर इनकी पौष्टिक थी वायुसेना में, और रात का समय था जिसकी वजह से ऑक्सीजन न मिलने की वजह से इनकी हृदय गति रुकने से इनकी मौत हो गई। ठीक है, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। तो 2 अक्टूबर को ये शहीद हो गए थे सुबह या दोपहर में, तो उस वजह से ये इनकी पोस्टमार्टम वगैरह हुई थी, शाम को ये नहीं आ पाए आगरा, तो ये सुबह आज आए यानी 3 तारीख, इसलिए लेट हो क्योंकि 2 तारीख को मौसम बहुत ख़राब था, इस वजह से फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई, ये बताया जा रहा है। तो आज सुबह ये आगरा आए, आगरा से फिर यहाँ पर, इसलिए 3:40 पर ये बकेवर में थे। ठीक है, इस वजह से शाम को इतना लेट हो गया और इतनी भीड़ हमारी समझ से 10-15 हज़ार आदमी होगा, लेडीजों की तो शुमार नहीं है कि कितनी। और ऐसा कोई शख्स नहीं था दोस्तों कि जिसकी आंखें नम ना हो। जब एक फौजी शहीद होता है तो लोगों का आंख नहीं दिल भी रोता है, और ये आज हमने महसूस कर लिया। इतनी मैंने कभी नहीं देखा। भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान आए ऐसी परेशानी किसी को ना दे जो परेशानी हुई है। ठीक है, और बाकी जानकारी जो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सारी जानकारी लिखी हुई है सब देखिए। ठीक है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और चलिए, अब कुछ नहीं, ये वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा, 4 तारीख को सुबह मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। तो बस आगे रिकॉर्ड करने की इच्छा नहीं हो रही तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग बस देख लीजिएगा। और ये वीडियो बनाने का कोई मेरा मकसद नहीं था, लेकिन मेरे अपने थे, इस वजह से मैंने बना लिया। क्योंकि जब मैं आपको अच्छी बातें बताता हूँ, खुशी बताता हूँ, तो एक जो दुख हुआ है मेरे पे क्या उनके घर वाले, मतलब आज तो पूरा देश इस शहीद की आत्मा की शांति के लिए सबकी आंखें नम थी, ये तो बताने वाली कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं करते समाप्त, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, देखते हैं अगर कल मूड हुआ रिकॉर्ड करने का। मेरे को नहीं लग रहा कि अब मैं रिकॉर्ड कल कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय।